एक ग्राफिक डिजाइनर और एक इलस्ट्रेटर में क्या डिफरेंस होता है पता है? चलो आज पार्ले जी के एग्जांपल से समझते हैं। देखो अगर आप आर्टिस्टिक हो ना तो दोनों करियर्स ही बहुत बढ़िया है, और आप देख रहे हो ना आजकल एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, हर जगह इन दोनों रोल्स की वैकेंसीज निकल रही है। बट आपके लिए कौन सा करियर सही है वो आज समझते हैं। अब ये रहा पार्ले जी का पोस्टर, तो ग्राफिक डिजाइनर ने सोचा होगा ये सारे कलर्स यूज करता हूँ, इस लड़की को लेफ्ट साइड में प्लेस कर देता हूँ, फोन ये करता हूँ, बेसिकली लुक्स फील एंड एस्थेटिक्स पार्ट ऑफ इट ग्राफिक डिजाइनर ने सोचा। बट ये लड़की कहाँ से मिली? गूगल ने तो सबसे पहले नहीं दिया होगा, तो ये किसी ने खुद स्केच किया है। सो इलस्ट्रेटर बेसिकली ये ड्रॉइंग्स, इमेजेस या इंफोग्राफिक स्केच करते हैं। अब इलस्ट्रेशन भी दो टाइप का होता है, वेक्टर ग्राफिक और फ्री हैंड ग्राफिक। अब वेक्टर ग्राफिक्स आर कंप्लीटली मेड डिजिटली यूजिंग डिफरेंट लाइंस एंड शेप्स एंड इमेजेस, बट फ्री हैंड ग्राफिक इज थोड़ा डिफरेंट, वो भी डिजिटल होता है, बट आप डिजिटल पेन या डिजिटल टूल यूज करके हैंड से इलस्ट्रेशंस बनाते हो। सो समरी, ग्राफिक डिजाइनर पूरा लुक, फील, प्लेसमेंट सोचेंगे, और इलस्ट्रेटर्स इलस्ट्रेशंस, इंडिविजुअल स्केचेस बनाएंगे।